गाइस, हिंदुस्तानी बाबू का ये वाला मीम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मतलब कोई भी रिमिक्स गाना होता है तो उसके अंदर भी इस वाले मीम को मिक्सिंग किया जा सकता है। वो एक सिंपल ट्रिक क्या है जिसकी मदद से आप किसी भी गाने के अंदर ये वाला मीम यूज कर सकते हो। और हाँ गाइस, किसी भी गाने को ज्यादा देर तक सुनने के लिए उस गाने के अंदर इंटरेस्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसे मीम आप एड करके कोई भी गाने को आप इंटरेस्टिंग रिमिक्स बना सकते हो। तो गाइस, अगर आप मोबाइल से मिक्सिंग करते हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों तरफ आपको गाना एड करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दोनों अब अलग अलग गाना ऐड कर लिया है। आपको नीचे सिंपलर नाम का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो छोटा सा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप सुनिएगा। अब इसको यहाँ पे कैसे ऐड करना है वो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने ही वाला हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वाले मीम को आपको डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली आपको करना क्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कीजिए तो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। अब आप बोलोगे हमें तो इंस्टाग्राम आईडी पता ही नहीं है, तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, यही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। गाने के अंदर मीम कैसे ऐड करूंगा यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी आपने सुना था कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से हमारा यहाँ पे मीम ऐड हो सकता है किसी भी गाने के अंदर। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाला मीम आपको यहाँ पे लाना कैसे है। मतलब यहाँ पे मैंने इस बटन पे सेट किया है, इस वाले बटन के ऊपर, तो इस बटन पे मैंने सेट कैसे किया है चलिए ये बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना एक बार। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लोड सिंपलर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप जैसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ये वाले पे ओके करना है। अब आपको करना क्या है, इस वाले मीम का जो लिंक दूंगा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो वाला मीम क्या है कि डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद कोई सा भी एक फोल्डर के अंदर डाल देना है, ठीक है? मैंने कैसे डाल रखा है यहाँ पे देख सकते हो, टपाटप वाला एक फोल्डर बना रखा और इसके अंदर ये फोल्डर यहाँ पे इनपुट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे वापस आप लोड पे ओके करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो टोपाटोप वाला जो है हमारा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, ये देख सकते हो, ये वाला फोल्डर हमारा यहाँ पे आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है इसको। तो यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे तो ये आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। एड होने के बाद यहाँ पे एडिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, ये लाल कलर के अंदर, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है ताकि ये यहाँ से एडिट से हट जाए। अब आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये मीम चलेगा और इस मीम की आवाज भी आप फूल कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो इस मीम की आवाज आप फूल कर सकते हो और इसको यहाँ पे तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट तरीके से यहाँ पे आ चुका है।